I usually don't do movie reviews on this channel, but recently I watched this movie called... Gio, are you alright? What? So, let's talk about story. Story is so-so. It's not that, great. अगर हम स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करेंगे, वो एक हिस्सा पिटा है जो ओल्ड स्कूल, मतलब हीरो आता है एक स्मॉल टाउन में जहाँ पे उसका कुछ गुंडों से पंगा होता है, फिर वो बार फाइट वगैरह करता है, फिर वो हीरोइन को भी एक जगह पे जाकर रेस्क्यू करता है एंड लास्ट में विलेन को मार देता है। खत्म, बता दिया मैंने, स्टोरी इतना ही है। बट हु इज़ हियर फॉर द स्टोरी? आई एम हियर टू विटनेस रॉ एक्शन, बिकॉज आप जाकर ट्रेलर देखो, ये पूरा मूवी दाएँ 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 दें एक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्योरली एक्शन के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगा, मतलब सेलिंग पॉइंट जो है, दैट इज़ कॉनर। आई थिंक एवरीबडी नोज कॉनर मैकग्रेगर। अगर आपको पता नहीं, जाके आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। एंड ही इज़ ए रियल टाइम मार्शल आर्टिस्ट, और उसका जब एंट्री होता है मूवी में, वो देखने लायक है। मुझे लगा था यार, बंदा तो एक्टर नहीं है, कैसा क्या, मतलब एक्टिंग कैसे कर, एक्शन तो ठीक है कर लेगा, बट जो एक्सप्रेशन है, जो कमीनापन है, जो विलेन का रहता है ना, वो दिखेगा कि नहीं स्क्रीन पे? और ट्रस्ट मी गाइस, आपको वो पूरा दिखेगा। बंदा फैबुलस जॉब किया इसमें, ठीक है। और बाकी जो हीरो है, जेक जिलेनहल, रियली इंटरेस्टिंग गाय ओवरऑल, ब्रायन वांट्स टेक द रोड हाउस अवे फ्रॉम मी, ऑब्वियसली वो तो अच्छा ही करेगा, ही इज ए ट्रेंड एक्टर है। लेकिन उसका सबसे बड़ा इसमें क्या है, उसने जो बॉडी बनाई इसमें जेक ने, वो देखने लायक है। एकदम उसका श्रेडेड बॉडी होता है ना, उस टाइप का उसने बनाया, और वो देख के यार मुझे यार इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है यार, कहाँ हम। एकदम ज़बरदस्त एक्शन सीन से, रॉ एक्शन है, आपको ऐसा कहीं पर फील नहीं होगा कि यार इसने, मतलब काम चलाओ वाला एक्शन नहीं है। ठीक है, अब मैं रॉ जो बोलता हूँ, इट्स नॉट दैट, मतलब ओवर द टॉप एक्शन नहीं है कि एकदम हर जगह पे ब्लास्ट हो रहा है, एकदम लाइक जो बड़े बड़े अवेंजर्स वाले मूवी में रहते हैं, इस टाइप के नहीं है एक्शन। जो मतलब फिस्ट फाइट है, या फिर किक्स है, या फिर पंच है, जो है वो रियली में दिखाया गया है वहाँ पे। अगर बंदा पंच करता है तो इट एक्चुअली हिट्स द अदर गाइज चीक, ऐसा दिखता है। और वो 24 फ्रेम्स का एक्शन सीन है। 24 फ्रेम्स मतलब जो आपको, मतलब स्लो मोशन वाला नहीं है, जो आपको दिख रहा है जैसे हम फाइट करते हैं वैसा वाला सीन मोस्टली है उसमें। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो जॉन विक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। और जॉन विक का वही था कि स्टोरी सो सो, एक कुत्ते को मार, मतलब उसके कुत्ते को मार देते हैं, फिर वो आके बदला लेता है। इट्स सो अगेन टॉकिंग अबाउट द एक्शन सीन, इट इज़ फैबुलस। स्लो मोशन एक्शन इसमें है नहीं, जो कि मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। मैं ज़्यादातर स्लो मोशन वाला एक्शन, पता नहीं यार, आई डोंट लाइक दैट। साउंड भाई, साउंड भी ज़बरदस्त है। जब मैं बोलता हूँ कि एक्शन सीन मुझे अच्छा लगा, इट्स नॉट अबाउट द विजुअल्स। जब आप किसी को पंच करते हैं, या फिर कोई किसी का गला पकड़ के रखा है, तो दैट ऑडियंस शुड फील के हाँ यार पकड़ के रखा है, तो उसमें क्या होता है, साउंड डिज़ाइन का बहुत बड़ा काम रहता है। एंड बिलीव मी गाइस, इसमें साउंड डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। I got a tip for you. Don't let no one get this close. जो फॉली वर्क जो हुआ है, दैट इज टॉप नॉच। मतलब एक्शन सीन्स आपको रियली फील करवाएगा कि आप मिड ऑफ द एक्शन आप हो उधर, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप प्लीज़ यूज़ द हेडफोन वाइल वॉचिंग द मूवी। प्राइम वीडियो पे है, हेडफोन लगा के आप देखो, तभी जाके वो अच्छा से फील होगा, अदरवाइज यू नो दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी इस मूवी में बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब मुझे कहीं पर फील नहीं हुआ कि यार ये इससे बेटर हो सकता था, या फिर उन लोगों ने अच्छा काम किया है ओवरऑल। एंड जो एक एक्शन मूवी में चाहिए, वो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कि जैसे आपको क्या बोलते हैं, एक अनइजीनेस जो फील होता है, मतलब एक्शन जो POV स्टाइल ऑफ एक्शन रहता है, जो आपको ऐसा लगा है कि यार आपके फेस पे तो कहीं पे पंच नहीं मार रहे हैं ना, ऐसा ऐसा कुछ सीन्स है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रॉ एक्शन से ओबियसली है, तो मतलब अगर हम बात करेंगे ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी, इट्स रियली गुड। यार सिनेमाटोग्राफी क्या बोलूँ मैं यार, मतलब ऑडियंस को अच्छा लगता है ओवरऑल देख के मूवी, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स राइट। मैं हर जगह पे जाके ये नहीं बोल सकता यहाँ पे लाइटिंग अच्छा हो सकता था, यहाँ पे क्यों ऐसा लाइटिंग है, वहाँ पे क्यों ऐसा लाइटिंग है, इट्स ऑल गुड। ठीक है, ओके, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, इट्स ए गुड मूवी टू वॉच, मे बी नॉट विथ योर फैमिली बट विथ योर बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, सो यू कैन लाइक वॉच इट वन टाइम वॉच, तो डेफिनेटली है ये।
एनीवे दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और इस टाइप के रिव्यूज़ में बनाऊंगा। अगर आपको इस टाइप के रिव्यूज़ पसंद है तभी जाके मैं ये जो मूवी रिव्यूज़ है इस चैनल में ऐड करने वाला हूँ आगे जाके। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं भी जाके अभी मिक्स मार्शल आर्ट सीखूँगा। चलो गाइज़।